नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 का सवाल है क्वेश्चन से इस अ ब्लॉक ऑफ मास इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग एंड हैज फोर्स कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस्ड सवाल ये द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बहुत आसान सवाल है इसका डायरेक्ट रिजल्ट अपने को पता होता है पर एक बार यहाँ पे इसको समझ भी लेते हैं क्यों ये रिजल्ट होएगा और मैं इसको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दूंगा कि रिजल्ट क्यों आया किस सिचुएशन में आपका रिजल्ट है नाउ जब ये मांस आपका एक स्ट्रिंग से अटैच है और दूसरा एंड इसको ऐसे समझ ऐसे समझते हैं कि ये मान लीजिए आपकी स्प्रिंग है और ये आपका स्प्रिंग इस वक्त ऐसे लटका हुआ है जिसकी ये नेचुरल लेंथ है राइट इस नेचुरल लेंथ से अगर आप धीरे 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 इसको नीचे अगर लेके आएंगे सो so, ये किसी एक जगह ऐसे जगह जाके यहाँ पे अपने आप को रुक जाएगा धीरे धीरे जब लेके आए यहाँ बैलेंस हो जाएगा इस कंडीशन को बोलते हैं मीन पोजिशन इस इस पोजिशन को बोलेंगे मेन पोजिशन मेन पोजिशन हम ये कहते हैं कि अगर इसका के स्प्रिंग कांस्टेंट है तो मीन पोजिशन पे नीचे लगने वाला फोर्स एम जी और ऊपर लगने वाला फोर्स के एक्स दोनों बराबर हो जाएंगे सो so, यहाँ पर जो एक्स नॉट एक्सटेंशन आया तो उसको हम लिख सकते हैं इस वाले केस में Uh, ये जो एक्स नॉट है दैट विल बी इक्वल टू ये दोनों को बराबर करके uh, हम लिख सकते हैं एक्स नॉट विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के राइट ये आपकी लोकेशन होगी मेन पोजिशन की ठीक है पर ये उस कंडीशन में है कि जब आपने इसको धीरे 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 यहाँ ला छोड़ा है अब अगर इसको हम यहाँ पे अचानक से छोड़ देंगे उस केस में ये एक पोजिशन पे यहाँ पे आके यह इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा और वो उसकी वैल्यू टू एक्स नॉट होती है तो दिस इज गोना बी नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट बिकॉज यहाँ से यहाँ जो उसने कानेटिक एनर्जी गेन की है वो कानीटिक एनर्जी इसको और खींचेगा और इस केस में इसका एक्सटेंशन जो है यहाँ से मेन पोजिशन से एक्स नॉट ज़्यादा होके तो इस वाले में जो गेन आएगा दैट विल बी टू एक्स नॉट विल बी इक्वल टू टू एम जी डिवाइडेड बाई के सो so, ये आपकी पोजिशन होगी जहां पे इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन होएगा सो so, बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए टू एम जी बाई के वुड बी द राइट आंसर ना इसी चीज़ को अगर हमने एक बार डेमोन्स्ट्रेट करना हो सो वी हैव स्प्रिंग एंड वी कैन वेरी वेल क्रिएट अ सिस्टम सो ये हमारा सिस्टम है सो से फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर लेते हैं सो so, इसको अगर हम स्प्रिंग पे ऐसे अटैच करें सो so, ये अगर यहाँ से कंसिडर करें सो लेटेस्ट से ये आपकी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है उसके बाद अगर इसमें हमने एक ब्लॉक लटकाया और एक और ब्लॉक किस पर नीचे लटका देते हैं ये लटका देते हैं अले? तो दूसरा ब्लॉक भी हमने अगर यहाँ पे ऐसे लटकाया है तो ये जो आपकी पहले नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं पे थी अब इसको धीरे 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 अगर हम छोड़ेंगे तो इस जगह पे कहीं जाके बैलेंस हो रहा है ये कहलाएगी इसकी मेन पोजिशन ना इसको अगर हमने नेचुरल लेंथ से Uh, एकदम से ऐसे छोड़ा तो ये उस मीन पोजिशन से और थोड़ा सा नीचे जाएगा और उसकी वैल्यू टू एम जी बाय के होगी सो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन